हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, sec इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन z इक्वल्स टू 3 पाई है। हमें प्रूव करना है x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू xyz। बेटा इसमें एक चीज का ध्यान रखो कि या तो हमें करेक्ट फॉर्मूले याद हो तो उसको अप्लाई कर दो, बट इसके sec इनवर्स प्लस cos इनवर्स के फॉर्मूले इस कंडीशन में बनते नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन सिचुएशन है ना उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि कोई फॉर्मूला बन जाए। हमारा एम क्या है, कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिसको हम पहले से जानते हैं। तो हमारे यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर हमेशा ध्यान रखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए और उसको सिंप्लीफाई करना हो और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन देना हो तो एक्स इक्वल्स टू हमेशा टेन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इस वजह से और सिंप्लीफाई बड़ा आराम से होता है। तो इसमें लेट एक्स इक्वल्स टू हम ले लेते हैं थीटा इज ए ले लेते और यहां वाई इक्वल्स टू ले लेंगे हम टेन। तो सिचुएशन आ जाएगी मेरे पास सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस बी अपॉन टेन बी प्लस। यहां पर इसको लेट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसका फॉर्मूला जानते हैं, जिसके बारे में फॉर्मूला जानते हैं ना वहां लेट नहीं करें, ठीक है ना। तो 1 अपॉन जेड है, कॉट इनवर्स है, अगर मैं इसको टेन इनवर्स लिखूंगा ना ये क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, जेड अपॉन 1 हो जाएगा, ऐसे प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 3 पाई। अब सिंप्लीफाई करो, देखिए sec इनवर्स ये 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया और ऊपर स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, खाली sec प्लस cosec इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर है ना sec स्क्वायर हो जाएगा और रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, इनवर्स हो गया हो जाएगा अपॉन tan b प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई। क्लियर। अब इसमें देखो sec इनवर्स और sec दोनों हट जाएंगे, ए यहां पर cosec इनवर्स sec भी हम 1 अपॉन cos b और tan हो जाएगा sin b अपॉन cos b, cos और cos हटा दें कैंसिल, इसमें कुछ करना नहीं है, tan इनवर्स tan का पाई है इज इक्वल टू 3 पाई। अब a प्लस cosec इनवर्स 1 अपॉन sin कितना हो जाएगा cosec b प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई। देन a प्लस यहां देखो b, ये दोनों हट जाएंगे खाली b बचेगा प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई। अब देखो a और b की बात है, यहां पर tan इनवर्स z है तो a और b की वैल्यू मैं यहां से गेन करता हूं, x इक्वल्स टू tan a है तो बन जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू a और यहां से tan इनवर्स y इक्वल्स टू बन जाएगा b, इस a और b की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई। अब देखो बेटा ये तो बेसिक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, मेरा एम क्या था, इनको किसी तरह से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करो जिसको हम जानते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z दोनों ही जानते हैं, क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन, ये ऑर्डर में चलेगा पूरा ना, एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई। अब आप इसमें क्या करो, टेन को उस तरफ शिफ्ट कर दो, इस तरह क्या बनता है अप्लाई टेन बॉथ साइड्स, इस तरह से टेन हट जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू टेन 3 पाई। टेन 3 पाई, टेन 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ये 0 यहां पर लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 10 पाई। टेन 3 पाई का 0 हो गया और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई से इस वैल्यू को ऊपर ले लो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
अब जीरो को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। अब हमारे पास में जो सिचुएशन है उसको चेक करो, जो प्रूव करनी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्रूव करनी है, है आया कितने कितना है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो आ जाए। इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो सेम बन जाएगा देखो आप, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आपके पास आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बात को प्रूव करता है। हम इसका बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जानते हैं, यहां पे दिया है cot इनवर्स, तो इस cot इनवर्स को हम क्या करते हैं, tan में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस ये cot इनवर्स x प्लस 1, मैंने क्या बताया cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दो, tan इनवर्स x प्लस, अगर मैं इसको tan इनवर्स का बदलूंगा ना, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 उल्टा करते हैं इसको। अब फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस y, इसे बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखिए, याद रही है मैं बोल रहा हूं, पता क्या है, tan इनवर्स x प्लस y हां अपॉन 1 माइनस x, गुड, याद हो गए फॉर्मूले सारे, ये चीज का ध्यान रखना है आपको, तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस ये वाले वैल्यू y की जगह कौन है अपॉन 1 माइनस x इनटू 1 अपॉन x प्लस 1, तो आ जाएगा tan इनवर्स न्यूमरेटर में देखो ऊपर एलसीएम ले लो प्लस 1, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा ना सीधा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये वही सेम है, तो प्रॉब्लम बना जाएगा यहां पर x प्लस 1 एलसीएम 1 के साथ सीधा मल्टीप्लाई प्लस 1 और ये माइनस x माइनस x प्लस x अगर आएगा ये x प्लस 1 और x प्लस 1 अगर तो आ जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर x और ये प्लस 1, ये अपॉन में क्या है 1 ही है, खाली लिखे नहीं लिखे एक ही बात है ना, इजी दोस्तों, राइट हैंड साइड, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजीली इसको अचीव कर लेंगे। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z किसमें है, एपी में, और प्रूव करनी बोलता हूं, तो एपी का मतलब समांतर श्रेणी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इसका मतलब ये हो गया एपी में होने के कारण, यानी कि ये जो सेकंड टर्म है ना इसका डबल tan इनवर्स y है ना, इन दोनों के सम से इक्वल होता है, एपी की यानी कि समांतर श्रेणी की थीम यही होती है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो सम होता है ना सेकेंड टर्म का डबल होता है। अब आप इसमें सॉल्व करो, टू tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस x, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा दो आप, x प्लस z अपॉन 1 माइनस x z, दोनों तरफ से tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर x प्लस जेड 1 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू x प्लस जेड और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो आप, 2y माइनस 2x y और z, x इन दोनों को करेगा मल्टीप्लाई करे और ये z भी इन दोनों को करेगा माइनस y स्क्वायर और ये z, अब प्रूफ में अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबको लेफ्ट और ट्रांसफर कर दो, ये वाई स्क्वायर की टर्म है ये भी वाई स्क्वायर की टर्म है, इनको पहले ले लें एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों आ गए, अभी एक्स और जेड है ना, तो पहले इसको लिख दो प्लस का टू वाई माइनस का टू एक्स वाई जेड, इन दोनों को याद है माइनस एक्स और माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। अब देखो इन दोनों में से जो कॉमन आ गया था क्या कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर क्या बच गया x प्लस z, और उसके बाद में इन दोनों में से आ रहा है 2y कॉमन आ रहा है,
क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स एक्स और ये जेड माइनस एक्स। हाँ तो सीधा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर अपन करते ना तो भी अपने पास वही आता, ठीक है ना। और हमारे पास माइनस एक्स और ये माइनस जेड जीरो ये माइनस। एनी डाउट? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स के, क्या करो इसमें फॉर्म भरना है तो फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और फिर अब जैसे इसमें दे दिया कि एपी है तो अब एपी का आपको ये पता होना चाहिए कि एपी का कंडीशन क्या होती है। जैसे एपी देर का यानी सेकेंड टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि उन तक भी अपडेट्स पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।